वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद्गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्यायसी चित्कर्मणस्ते मत्तबुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घरे मं नियजयसि केशव। अर्जुन कहिले हे जनार्दन, तुम मतरे यदि कर्मर ज्ञान अधिक श्रेयस्कर हुए ताहले हे केशव तुम्हें मते काहिंकि एही हिंसात्मक युद्ध रूपक कर्म रे नियोजित करुछ। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम् आप्नुयाम्। अविस्पष्टार्थ बा द्व्यर्थबोधक कथा कही जेपरी मोर मन को मोहित करुअछ जहिरे मोर कल्याण हेब सेहीपरि गोटे पथ ठीक करी मते कही दियो। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रक्तामया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानं कर्मयोगेन योगिनं। श्री भगवान कहिले हे अनघ अर्थात विशुद्ध चित्त अर्जुन, एही जगतरे दुई प्रकार निष्ठा बा श्रेय लाभर पथ सम्बन्धरे पूर्वरु कहिछि। ज्ञानी मार्गर अर्थात जे माने ज्ञान अनुशीलनकारी सेमानंग पाई ज्ञान जग एवं कर्मजोगी मानंग निमित्त निष्काम कर्मजग। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषस्नुते न च संन्यस्य न देव सिद्धिं समाधिगच्छति। कर्म अनुष्ठान नकरी केही कर्मबंधन बा दायित्वरु मुक्त होई आत्मस्वरूपरे प्रतिष्ठित होईपारे नाही। पुणि सेहीपरि कर्मर वासना बा फलत्याग नकरी केवल कर्मत्याग करिदेले ताहा द्वारा सिद्ध अवस्था लाभ असंभव। नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवस कर्म सर्वप्रकृति जैर्गुण। केही केबे हेले क्षणकाल मध्य कर्म नकरी रहीपारे नाही कारण स्वभावजात गुणवशत अवश्य प्राय होई समस्ते ही कर्म करिबाकु बाध्य। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जेऊं भ्रांतमति हस्तपद आदि कर्मेन्द्रिय समूह संयत करि रही थाए अथच मने मने इंद्रियर विषय समूह स्मरण करुथाए से मिथ्याचारी अर्थात जे कर्मेन्द्रिय गुड़ी को विषय भोगरु संयत रखी मने मने विषय संभोग करे से कपटाचारी। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्त स विशिष्यते। किंतु मन द्वारा चक्षु कर्ण आदि ज्ञानेन्द्रिय समस्त संयत करी जे अनासक्त भावरे अर्थात जगस्थ होई कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्मानुष्ठान करंती हे अर्जुन से ही श्रेष्ठ। नियतंकुर कर्म त्वं कर्मज्याय ह्य कर्मण शरीर यत्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। तुम्हें नियत काम्य और निषिद्ध वर्जन करी शास्त्र विहित अलौकिक सर्वविध नित्य नैमित्तिक कर्मरे रत रह। कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा श्रेय। पुणि कौनसी कर्म न कले तुमर देहयात्रा मध्य निर्वाह होइपारिबो नाही। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकयम् कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात ईश्वरंक प्रीति निमित्त अनुष्ठित कर्म व्यतीत अन्य कर्म बंधनर कारण।
अतएव हे कौन्तेय, तुम्हें ईश्वरंग उद्देश्य रे अर्पित चित्त होई अनासक्त भाव रे कर्मानुष्ठान कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वस्तिष्ठ कामधुक्। सृष्टिर प्राक्कालरे प्रजापति ब्रह्मा यज्ञ संगरे प्रजा सृष्टि करि कहिथिले, एही यज्ञ द्वारा तुम्हें माने उत्तरत्वर वर्धित हुआ। एही यज्ञ तुम मानकर सर्व अभीष्ट प्रद हेउ, अर्थात एपरि भावरे यज्ञ अनुष्ठान कले तुम्हें माने सर्वाभीष्ट लाभ करिव। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम अवाप्स्यत। एही यज्ञ द्वारा तुम्हें माने घृताहुति प्रदानरे देवता मानंकु संवर्धना कर, एवं से ही देवता माने मध्य वृष्ट्यादि द्वारा तुम मानंकु संवर्धित करंतु। एही परि भावरे परस्परर संवर्धना द्वारा उभय पक्ष परम कल्याण लाभ करिवे। इष्टान भोगान हिव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदत्तान प्रदायेभ्य यभुंतेस्ते नएवस। जेहेतु देवगण यज्ञादि द्वारा आराधित होई तुम मानंकर अभीष्ट भोग्य वस्तु प्रदान करती, सेथिपाई सेमानंकर साहाज्यरे प्राप्त अन्नपान आदि यज्ञादि क्रमे सेमानंकु निवेदन न करी, अर्थात सेमानंकु संपूर्ण रूपे वंचित करी, जे केवल निजे भोग करे से निश्चय चर। यज्ञ शिष्टासीन संत मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुञ्जते ते तोघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जेऊं सज्जनगण देवतामानंक उद्देश्यरे निवेदित अन्नादि प्रसाद ज्ञानरे भोजन करंती अथवा ब्राह्मण आदि अतिथिंकु भोजन द्वारा तृप्त करी अवशिष्ट अन्न भोजन करंती, सेमाने समस्ते पापरु मुक्त होंती। किंतु जेऊं पापी माने केवल निजर उदरपूर्ति निमित्त अन्न प्रस्तुत और भोजन करंती, सेमाने पाप मिश्रित अन्न ही भोजन करंती। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः। प्राणीगण अर्थात प्राणीगणक शरीर अन्नरु उत्पन्न हुए, मेघरु अन्न जन्मे, यज्ञधूमरु मेघर सृष्टि हुए, एवं यज्ञ अपूर्व कर्मफल वेद विधिरु उत्पन्न हुए, अर्थात वेदर निर्देश अनुसारे यज्ञ आदि अनुष्ठित हुए। कर्म ब्रह्मद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। यज्ञादि कर्म वेदरु उत्पन्न, अर्थात वेदमूलक बोली जानिब। वेद अक्षर परब्रह्मरु समुद्भूत, सेथिपाई सर्वव्यापी परब्रह्म सर्वदा यज्ञरे प्रतिष्ठित रहिछन्ति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया राम मोघं पार्थ सजीवति। एहिपरि भावरे प्रवर्तित जगत चक्रर अनुवर्तन जेऊं व्यक्ति न करे, अर्थात जिए यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठान द्वारा एही संसार चक्र परिचालनारे सहायता न करे, से इंद्रिय सुखासक्त और पाप जीवन हे पार्थ, तादृश व्यक्ति वृथा जीवन धारण करिथाए। यस्तात्मरतिरे वस्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जे केवल आत्मारे प्रीत आत्मारे तृप्त एवं केवल आत्मारे संतुष्ट थांती, तांको निजर कौनसी प्रकार कर्तव्य नाही। नैव तस्य कृतेनार्थ नाकृतेनेह कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु क
कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय जे आत्माराम तांकर कौनसी कर्म अनुष्ठान रे प्रयोजन नाही पुणी कर्मरु विरत रहिबार मध्य प्रयोजन नाही सर्वभूत मध्य रे कहारी संगरे कौनसी प्रयोजन संबंध मध्य तांकर नाही कारण से सिद्ध काम तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त ह्याचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः। अतएव तुम्हें अनासक्त भाव रे सर्वदा निजर कर्तव्य रूपक कर्मर अनुष्ठान कर निष्काम भाव रे कर्म कले मनुष्य निश्चय मोक्ष प्राप्त होइथाय। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि राजर्षिगण निष्काम कर्म करि मोक्ष अवस्था लाभ करिथिले अतएव लोकसंग्रह निमित्त तुमर कर्म करिबा कर्तव्य। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एवेतर जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लगस्तदनुवर्तते। विशिष्ट व्यक्ति जहाँ जहाँ आचरण करती जनसाधारण ताहा ही करती से जहाँ प्रमाण सिद्ध बा करणीय बोली ग्रहण करती इतर साधारण मध्य ताहार अनुवर्तन करती। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ स्वर्ग मर्त्य आदि एही त्रिलोक मध्यरे मोर किछि करणीय नाही एवं मोर अप्राप्त बा प्राप्तव्य मध्य किछि नाही कारण मु पूर्ण भगवान तथापि मु त्रिभुवनर कल्याण पाई सर्वदा कर्म अनुष्ठान रे व्यापृत अछि अर्थात मु स्वस्वरूप रे लीन होई आत्मानंद रे विभोर रही पारे किंतु ताहा नकरी जनगणंकु कर्मरे नियोजित रखिया पाई निजे मध्य अक्लांत कर्म करुछि। यदि ह्ययं नवर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। हे पार्थ मु यदि अनलस भावरे कर्म न करे तबे मानवगण सर्वतो भावरे मोर जीवन अनुसरण करिवे केही किछि कार्य करिवे नाही अलस भावरे जीवन कटाइबे। उत्सिदेवरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संगरस्य च कर्तास्यां उपहन्यम इमा प्रजा। यदि मु कर्मरे लिप्त न रहे कर्मर अभावरे एही समस्त लोक उत्सन्न होइजिबे फळरे मु ही वर्णशंकर आदि सामाजिक विपर्ययर हेतु हेबी एवं ताहार फलस्वरूप प्रजागणक विनाशर कारण हेबी। सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे अर्जुन अज्ञानीगण आसक्तिवशत जेउपरि कर्म करिथांति ज्ञानीगण अनासक्त चित्तरे लोकपालनार्थ से हीपरि कर्म करिवे। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां यजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन। ज्ञानी माने कर्मरे आसक्त अज्ञानी मानंकर बुद्धि भेद जन्माइबे नाही अर्थात ज्ञानीगणंकु निष्क्रिय देखिले अज्ञानी व्यक्तिगण भाविबे जे ज्ञानी माने तो कर्म करूनाहांति अतएव आमे माने मध्य काहिंकि कर्म करिबु। अज्ञानी मानंकु एभळी जे भाविबार सुजोग ज्ञानी माने जेपरि न दियंति निजे अवहित चित्तरे समस्त कर्मर अनुष्ठान करि अज्ञानी मानंकु कर्मरे प्रवृत्त रखिबे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते। वस्तुत प्रकृतिर गुणत्रय
देह और इंद्रिय आदि द्वारा सर्वत भाव रे लौकिक और आध्यात्मिक समस्त कर्म संपादन करिथाय। अथच अहंकार रे विमूढ़ चित्त व्यक्ति मने करे जे मु ही कर्ता अर्थात मु सब किछि करुछि। तत्ववित्तु महाबाह गुण कर्म विभागयः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। किंतु हे महाबाह जो माने सत्व रजस तमगुण और मन बुद्धि इंद्रिय आदि और से गुड़िकर पृथक पृथक कर्म विभाग तत्व जानी से माने इंद्रिय गुड़ी को सही सही विषय रे प्रवृत्त होती जानी कर्म रे केवे हेले आसक्त हुंती नाही और कर्तृत्व अभिमान मध्य करंती नाही। प्रकृतिर्गुण संमूढ़ सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। जो माने प्रकृतिर गुण द्वारा विमोहित चित्त से माने देह इंद्रिय आदि कर्म रे आसक्त हुंती अर्थात मु ही कर्म करुछि एवं यार फल भोग मध्य मु करिबि एही भली मने करी कर्म रे विशेष भाव रे आसक्त हुंती। ज्ञानीगण एही मंदबुद्धि व्यक्ति मानंकु कर्मरु विचलित करिवे नाही अर्थात से मानंकु कर्मत्याग निमित्त जेपरि उपदेश न दियंती कारण एही उपदेश फल रे केते गुडिए निष्कर्मारकंकर सृष्टि हेब जेउ माने कि समाज को विव्रत करिवे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर् निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। ईश्वर ही कर्ता तांक हाथर यंत्र होई मु तांकर कार्य ही करुछि एभळि विचार करी समस्त कर्म अर्थात कर्मफल मोठारे अर्पण करी कामना और ममता शून्य एवं सकमह विवर्जित होई तुम्हें युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठति मानवः श्रद्धावन्त अनसूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जेउ माने श्रद्धावान और असूया शून्य होई मोर एही निष्काम कर्मजग रूपक मतर अनुष्ठान करन्ति से माने मध्य कर्मबंधनरु मुक्त हुंति। ये तु एतत् अभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् न चेतसः। किंतु जेऊ माने असूया परवश होई अर्थात मोर एही निर्देश को अकल्याणकर मने करी एही निष्काम कर्मरूपक मतर अनुष्ठान करती नाही से माने अविवेकी मानंगु समस्त ज्ञान वर्जित विमूढ़ और विनष्ट बोली जानिब अर्थात से माने इहकाल और परकाल भ्रष्ट सर्वहरा। सदृशं चेष्टते सस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानवान व्यक्ति मध्य निजर प्रकृति अर्थात पूर्व जन्मार्जित संस्कारर अनुरूप कर्म करिथाय। प्राणीगण निज प्रकृति बा सहजात स्वभावर ही अनुवर्तन करिथान्ति। एही अवस्थारे अनुशासनर कौन फल हेब। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तयर्नव समागच्छेत् तौह्यस्य परिपन्थिनौ। समस्त इंद्रियर ही स्व विषय अनुकूल प्रतिकूल विषय भेदरे राग देश अवश्यंभावी कौन सी प्रकार रे एही राग देशर वशीभूत हुआ उभय अर्थात राग देश एही दुईटी पुरुषर श्रेय प्राप्तिर बा श्रेय मार्गर विघ्न कारक। श्रेयांश धर्म भी गुणः परधर्मात्सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म अर्थात निज आश्रमचित कर्म किंचित दशयुक्त हेले मध्य ताहा उत्तम रूपे अनुष्ठेय। निर्दोष परधर्म अपेक्षा
असंपूर्ण भाव अनुष्ठित स्वधर्म निधन मध्य कल्याण कर। आचार्य शंकर भाष्य कहते समस्त अंग सहित संपादित परधर्म ठारु अंग वैगुण्य सहित अनुष्ठियमान स्वधर्म बा आत्मधर्म प्रशस्ततर। स्वधर्म स्थित व्यक्तिर निधन अर्थात मरण मध्य परधर्म स्थित जीवन अपेक्षा श्रेय। काहीकि जेहेतु परधर्म भयावह अर्थात नरक आदि रूपक भयर उत्पादक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वा स्नेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहिले हे कृष्ण लोकमाने कहा द्वारा प्रयुक्त होई अनिच्छा सत्ते बलपूर्वक नियोजित हेलापरि पाप आचरण रे प्रवृत्त हुंती। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवः महासन महापाप्मा विद्धेनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान कहिले लोकमाने जहाँ द्वारा प्रयुक्त होई एपरि पाप आचरण रे प्रवृत्त हुंती ताहा हेला एही रजगुण संजात दुष्पूरणीय अति उग्र काम अर्थात कामना वासना एवं एही क्रोध। संसार रे एहाकु महाशत्रु बोली जानिब अर्थात एही काम क्रोध ही मनुष्य को निजर इच्छा विरोध रे ओ जोर करी पाप कर्म रे लिप्त करंती। धूमेना ब्रियते बन्ही यथा दर्श मलेन च यथल्वेनावृत गर्भ तथा तेने दमावृतम्। जेपरि धूम द्वारा अग्नि मल द्वारा दर्पण एवं जरायु द्वारा गर्भ आवृत थाए सेहीपरि काम द्वारा विवेक बुद्धिरूपक ज्ञान आवृत थाए। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलेन च। हे कुंतीपुत्र अर्जुन एही काम ज्ञानी मानंकर चिरशत्रु एवं ताहा अनलतुल्य दुष्पूरणीय। एही कामना द्वारा जीवर विवेक बुद्धि आवृत होइथाय। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतै विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियगण मन और बुद्धि ए समस्त कामर अधिष्ठान भूमि बोली कथित होइछि। काम एगुड़ी को आश्रय करी ज्ञान को आच्छन्न करे और जीव को विमोहित करे। तस्मात्त्वम् इन्द्रियान्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजयहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। हे भरत श्रेष्ठ सेथिपाई तुमको कहुछि तुम्हें प्रथमे इंद्रिय गण को वशीभूत करी ज्ञान विज्ञान महकारी पाप स्वरूप काम को परित्याग कर। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यबुद्धे परतस्तु स। स्थूल देह ठारु इंद्रिय श्रेष्ठ बोली कथित। इंद्रिय गण अपेक्षा मन श्रेष्ठ मन अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि ठारु जे श्रेष्ठ से ही आत्मा अर्थात बुद्धिर मध्य जे द्रष्टा से ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा से ही सर्वश्रेष्ठ। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जयि शत्रुं महावाह कामरूपं दुरासदम्। हे महावीर अर्जुन एहिपरि भावरे निश्चयात्मिका बुद्धि साहाय्यरे संस्कृत मन को समाहित करी बुद्धिर द्रष्टा रूपे अवस्थित परमात्मा को सम्यक रूपे जानी वासनामूलक एही दुर्निवार शत्रु काम को विनाश कर। इति श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय। हरि ओम तत्सत्। भगवान श्री वेद व्यास रचित लक्ष्य श्लोकात्मक श्री महाभारतर भीष्म पर्व अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता रूपक उपनिषद रे ब्रह्म विद्या विषयक जगशास्त्र रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद रे कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत्। तृतीय अध्याय सारामृत 43 टी श्लोक रे समाप्त। एही अध्याय रो नाम कर्मयोग। अर्जुन प्रश्न रे श्री भगवान ज्ञान और कर्मर महात्म्य और सधर्म पालन रो उपदेश ही एही अध्याय रे विशेष करि देइछंती। सन्यास आश्रमी मानंग निमित्त ज्ञान जग एवं आउ तीन आश्रमी मानंग पई कर्मयोग। अनासक्त भाव रे ईश्वर अर्पण बुद्धि रे कर्म करिबा को कर्मयोग कहा जाए। श्रौत स्मार्त नित्य नैमित्तिक कायिक वाचिक और मानसिक सर्वविध कर्म निष्काम भाव करिबा ही कर्मयोगर प्रधान निर्देश। कर्मयोगी पक्ष रे सबु कर्म फल समेत श्री भगवान ठारे अर्पण और कर्तृत्व अभिमान त्याग एही दुईटी अपरिहार्य साधना। एथिरे जे जेते अधिक परिमाण रे सिद्ध हेब से श्रेष्ठ कर्मयोगी। इंद्रिय संयम और इंद्रिय जय व्यतीत कर्मयोगी हो पारंति नाही। कर्मयोग संबंध रे स्वामी विवेकानंदर उक्ति विशेष प्रणिधान योग्य। से कहिसंति तेबे कर्मयोग कौन कर्म रहस्य अवगत हेबा। आमे देखुछु समग्र जगत कर्म करुछि काहिकी मुक्ति निमित्त स्वाधीनता लाभ पाई। परमाणु ठारु महच्च प्राणी पर्यंत समस्ते ही ज्ञात सारे बा अज्ञात सारे से ही एक उद्देश्य कार्य करी चालिछंति। मनर स्वाधीनता देहर स्वाधीनता आत्मार स्वाधीनता समुदाय विषय स्वाधीनता मनीष चाहूँ सर्वदा मुक्ति लाभ करने को एवं बंधन रु खसी जावा पाई ज्ञात सारे बा अज्ञात सारे चेष्टा करुछि। सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह समस्त बंधन रु मुक्त होवा पाई चेष्टा करुछंती। समस्त जगत टिकु एही केन्द्र अनुगामी और केन्द्र अपसारी शक्तिदयर क्रीड़ाभूमि बोली कहा जाय पारे। कर्मयोग आम कार्यर रहस्य बा कर्म प्रणाली कही दिए। कर्मयोग कौन कहे कर्मयोग कहे तुम्हें निरंतर कर्म कर किंतु कर्म रे आसक्ति त्याग कर। कौनसी विषय संगरे निजकु जड़ित कर ना मन को स्वाधीन करी रख। जहाँ किसी देखुछ दुख कष्ट समस्त ही जगतर अवश्यम्भावी व्यापार मात्र। दारिद्र धन और सुख सामयिक मात्र। यही सबू आमर आदौ स्वभावगत नुहे। आम स्वरूप संपूर्ण रूपे दुख सुख प्रत्यक्ष और कल्पनार अतीत प्रदेश रे। तथापि आमको सर्वदा कार्य करी जीवाकु हेबो। आसक्ति रु दुख आसे कर्मर नुहे। आउ मु मोर भाव ही दुखर जनक। समुदाय ईश्वरों ठारे अर्पण कर। एही संसार रूपक भयानक अग्निमय कटाहरे जेउठारे कर्तव्य रूपक अनल समस्तंकु झलसाई देउछि सेहिठारे एही ईश्वर अर्पण रूपक अमृत पात्र पान करी सुखी हुआ। गीतार मूल सूत्र ही एही निरंतर कर्म कर किंतु तहिरे आसक्त हो नाही। अनासक्ति ही पूर्ण आत्मत्याग। कर्मयोग निस्वार्थ परता बा सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करिवार एक प्रणाली विशेष। कर्मयोगींकर कौनसी प्रकार धर्ममत अवलंबन करिवार प्रयोजन नाही। से ईश्वरंक ठारे विश्वास करंतु बा न करंतु किंबा आत्मा संबंधरे अनुध्यान करंतु बा न करंतु अथवा कौनसी प्रकार दार्शनिक विचार करंतु बा न करंतु सेथिरे किछि जाय आसे नाही।
जे अर्थ बा अन्य कौनसी प्रकार अभिसंधि शून्य होई कार्य करती से ही सर्वापेक्षा उत्तम कर्म करती। अन्य प्रति आमर कर्तव्यर अर्थ अन्य को साहाज्य करिबा जगतर उपकार करिबा। काहेकि आमे जगतर उपकार करिबु आपातत बोध हुए जे आमे जगतर उपकार करुछु किंतु वास्तविक आमे निजे ही उपकृत होइथाउ। आमे सर्वदा जगतर उपकार करिबाकु चेष्टा करिबा आवश्यक। एहा ही जेपरि आम मानंकर कार्य प्रवृत्तिर सर्वश्रेष्ठ नियामक अभिसंधि हुए। कर्मजगर अर्थ कर्मर कौशल बा वैज्ञानिक प्रणाली रे कर्म अनुष्ठान। कर्म किपरि करिबाकु हुए जानिबाकु हेबो ताहेले जाई सेथिरु श्रेष्ठ फल लाभ हेबो। समुदाय कर्मर उद्देश्य मन भीतरे पूर्वरु जो शक्ति रहिछि ताहाकु प्रकाश करिबा आत्मार जागरण। प्रत्येक मनुष्य भीतरे एही शक्ति रहिछि एवं ज्ञान मध्य रहिछि। एही सबु विभिन्न कर्म जेपरि एही शक्ति को प्रकाश करिबा निमित्त एही दैत्य को जागरित करिबा निमित्त आघात स्वरूप चतुर्वर्ण और चतुराश्रमी सर्ण और आश्रम निमित्त विहित कर्म किपरि भाव संपन्न करिवे परमहंस देवंकर उक्ति तार सार्थक इंगितपूर्ण एवं सेथिरे कर्मजगर मर्म मध्य उद्घाटित होई। से कहिछंति सन्यासी को कामकांजन त्याग करिवाकु पड़िथाय और ताहा पुणी से ग्रहण करिपारंति नाही। सन्यासी जदि काहा किछि दियंति से निजे दियंति बोली मन करंति नाही। दया ईश्वरंकर मनीष पुणी कौन दया करिव। दान इत्यादि सबकिछि रामंक इच्छारे। संसारी लोक शुद्ध भक्त हेले अनासक्त होई कर्म करे। कर्मर फल लाभ क्षति सुख दुख ईश्वरंकु समर्पण करे आउ तांग पाखरे दिन राति भक्ति प्रार्थना करे आउ किछि चाहे नाही। एहार नाम ही निष्काम कर्म अनासक्त होई कर्म करिबा। सन्यासी को मध्य सब कर्म निष्काम भाव करिवाकु पड़ी थाए तेबे सन्यासी संसारी परि विषय कर्म करती ना। संसारी व्यक्ति निष्काम भाव जदि काहा को किछि दान करती ताहा निजर उपकार निमित्त पर उपकार पाई नुहे। सर्वभूतरे हरिंक सेवा केवल मनुष्यर नुहे जीवजंतु मध्यरे हरिंक सेवा जदि केही करती आउ जदि से मान न चाहती जश न चाहती मरिबा परे स्वर्ग न चाहती जहां का सेवा करछंती तांको ठारु प्रति उपकार न चाहती एही भली भावरे जदि सेवा करती ताहाले से यथार्थ निष्काम कर्म अनासक्त होई करती। एही भली निष्काम कर्म कले तांको निजर कल्याण होइथाय। एहार नाम कर्मजोग। एही कर्मजोग मध्य ईश्वरंकर प्राप्तिर गोटे मार्ग किंतु अत्यंत कठिन। सेथिपाई कहुछि अनासक्ति होई एही भली कर्म जे करे दया दान करे से निजर ही कल्याण करिथाय। परर उपकार परर मंगल इत्यादि ईश्वर करंती जे चंद्र सूर्य बाप माँ फल फूल शस्य जल प्रभृति जीवर रक्षा निमित्त देइछंती। दयालु भितरे जेउं दया देखा जाए ताहा तांकर ही दया। निस्सहाय जीवर रक्षा निमित्त से देइछंती। तुमे दया करो बा न करो से तांको निजर काम जे कोनोसी उपाय रे करिवे तांको काम अटकी रहे नाही। श्री रामकृष्णंकर वाणी केवल कर्मजोग उपरे नहे सेवा धर्म और विश्व मानवता उपरे स्निग्ध आलोक संपाद करुछि। निष्काम कर्म मनुष्य को श्री भगवानंक निकटरे पहुँचाई दिए। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।